واي فول ايوه واي تميز واي تميز اه الله يخليك ان شاء الله انا سوي بطول بطول طيب انا جيب جيب طيب ان شاء الله لازم तो अभी जो है ना वो बोल रहा है मेरे जो है ना रोटी लेके आना, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं अभी, इस गाड़ी पे जाएंगे, वो तो ख़राब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे, लखनऊ करम से हम भी ठीक ठाक हैं। आज जुमा का दिन है, तो सुबह तकरीबन सुबह का टाइम है 7-8 का। तो अभी लेने जा रहे हैं नाश्ता, आज का दिन जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू, उससे पहले छोटी सी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर करते हैं वीडियो शुरू। नाश्ता लेने के लिए जा ही रहा था तो गाड़ी जो है ना वो जो है ना गर्म हो चुकी है, तो पता नहीं ये मसला बढ़ गया है। पहले भी एक दो बार हुई है, अब तो ज़्यादा हो रही है। अभी फिर इसको चेक करते हैं या फिर किसी और को बुलाते हैं, कज़न को, उसके साथ जाते हैं नाश्ता लेने के लिए, थोड़ा दूर है। तो देखते हैं गाड़ी को क्या हुआ है, पहले भी थोड़ी चेक की है, और चेक करते हैं इसके अंदर पानी डालते हैं, क्यों गर्म हो जाती है, पता नहीं मसला क्या है इसको। तो अभी देखते हैं गाड़ी को, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इसमें देखें बिल्कुल पानी जो है ना बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्यों कम हो जाता है इसका पानी, और इसकी वजह से ही कम हो जाता है। यहाँ पे फालतू जो है ना एक बोतल होती है वो है ही नहीं। ये देखें थुके वाले काम किए हुए हैं सारे के सारे, तो गर्म तो होनी है ये गाड़ी बिल्कुल ही जो है ना। और इसका फ़ैन भी बंद हो गया, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, इसलिए गर्म हो जाती है। इसको आज चेक कराएंगे इंशाल्लाह शाम को, तो पता नहीं क्या मसला है, इतना तो मुझे पता ही नहीं है। डालते हैं इसके अंदर पानी, फिर चेक करते हैं, अल्लाह खैर करे। शायद ये देखना पहले इधर जो है ना पैंप वगैरह लगा हुआ होता है, दूसरी बोतल में जाता है, पैंप है नहीं, तो बहुत मसला बन गया है। कि जो है ना एक बोतल जो है ना लीटर वाली पहले डाली है, वो जो है ना फिर भी फुल नहीं हुआ, अभी दूसरी भरने जा रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। मस्जिद के साथ ही रखा हुआ था, तो कहीं और से मिला नहीं है, मैंने कहा चलो यहीं से भर लेते हैं। तो ये देखें पानी हमने भर लिया, देखते हैं और कितना गाड़ी में डालना पड़ता है, अल्लाह खैर। और सुबह सुबह का टाइम है और ये परेशानी भी मुझे मिल गई है सुबह सुबह ही गाड़ी वाली, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। शुक्र है ये जो है ना फुल हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट अभी नहीं हो रही, पता नहीं क्या इसको मसला बन गया। मैं जो है ना पानी भी इसके अंदर डाला है और कोई मसला बन गया, कोई फनी खराबी हो चुकी है। अभी जाते हैं कज़न के साथ, उसके साथ जाते हैं नाश्ता लेके फिर आते हैं। तो हाँ ऐश गोल हमें ये जो है ना यहाँ का जो है ना चौकीदार है इस इमारत का, तो इधर ही बैठता है ये देखे, और ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान की फ्लाइट जो है ना कब ओपन हो रही है, और हमारी जमात के आदमी तकरीबन 30-40 जो है ना वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में बता रहा है कि तकरीबन कितने शहर बाद जो है ना वहाँ बाद जो है ना फुकू होंगी, खुलेंगी फ्लाइट है। तो ये बोल रहा है तकरीबन 4 महीने जो है ना और नहीं एयरपोर्ट जो है ना खुलेंगे, तो बहुत परेशानी इसने दे दी है, क्योंकि ये जो है ना अभी अखबारें पढ़ता रहता है, इसलिए इसको सब जो है ना इलम है। तो अभी जाते हैं रोटी लेने, आपके साथ शेयर करते हैं वहाँ का व्लॉग, तो चलते हैं आगे। ते बकरा नजीब वहाँ वाय फूल वाय तमीज वाय तमीज अल्लाह कर ले इंशाल्लाह सब बटूर बटूर में ते बना जीब ते इंशाल्लाह लाजम। तो अभी जो है ना वो बोल रहा है मेरे जो है ना रोटी लेके आना, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं अभी, इस गाड़ी पे जाएंगे, वो तो ख़राब हो चुकी है, अब जो है ना इस गाड़ी पे जाएंगे। और ये भी मामू का बेटा कज़न है। ये देखिए कैमरी है इसकी, तो ये भी खुल जाती है छत।
तो चलते हैं अभी रोटी लेने के लिए। कज़न जो है ना सुबह सुबह ही जो है ना सॉन्ग चला दिया गाड़ी के अंदर, तो मैंने तो उसे कहा है कि बंद करो, बोलता है अभी कौन सी सुबह है, अभी तो 8 का टाइम है, क्योंकि हम जो है ना लेट उठे थे तो लेट हो गई है नाश्ते के लिए, अल्लाह खैर करेगा। अभी जो है ना अफगानी जो है ना तंदूर पे हम आए हैं, यहाँ से लेंगे हम रोटी और फिर जाएंगे घर नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे सऊदी अरब में जो है ना अफगानी रोटी मशहूर है, तो अभी खड़े हैं इंतज़ार में, उसको ऑर्डर मैंने दिया है, अभी वो तैयार कर रहा है रोटी, और देखते हैं कितनी देर में आती है फिर। ये देखें ये तंदूर है सऊदी अरब में, अफगानी तंदूर मशहूर है, तो अभी जो है ना ये भाई लगा रहा है रोटी, ये बना रहा है पेड़े की रोटी और ये लगा रहा है तंदूर में। ये देखें ये जो है ना बिस्कुट की तरह होती है, लेकिन हमने आईडी लेनी है सादा, जो पाकिस्तान में तंदूर में तैयार होती है उस तरह की लेनी है हमने। चाचा एक फूल दे दो और एक आईडी वो अलग देना, ठीक है, एक फूल एक, लेकिन टोटल 10 आईडी है, तो 3 अलग 2 अलग और 4 अलग 1 अलग, 10 आईडी, हाँ, तो एक फूल है, एक रियाल का फूल आता है वो दे दे, कितने का आएगा, 2 रियाल का दे दे। कुछ इस तरह इसके अंदर फूल जो है ना तैयार होता है, ये देखें चम्मच से निकालते हैं, पता नहीं इसके अंदर पकाते कैसे हैं, ना खुला इसके अंदर जो है ना पकाया जाता है, पता नहीं किस तरह पकाया जाता है, मुझे तो नहीं इतना इलम। तकरीबन सऊदी अरब में सभी सो रहे हैं, एक तो गाड़ी घूम रही है, तकरीबन एक दो गाड़ी घूम रही हैं, ये देख सकते हैं आप। हमारी रोटी जो है ना तैयार हो चुकी है तकरीबन, बाकी जो है ना 6 बाकी रोटी रह चुकी है अभी, तो वो भी आ जाएंगी, अभी लगी हुई है तंदूर के अंदर। तकरीबन 20 आदमियों की हमने रोटी ले ली है, तो आज फटी जो है ना पड़ गई थी, एक दो दोस्तों की भी लेनी थी, ये देखे कितनी रोटियां हैं, तो अभी चलते हैं घर। ये देखो हम अंडे ले हैं, एग्स भी ले लिए हैं अभी और दही भी ले लिया है, तो अभी चलते हैं घर। अभी जो है ना 5 फ्लोर में हम जो है ना रहते हैं, तो तकरीबन चढ़ते चढ़ते ही आदमी जो है ना एंड हो जाती है आदमी की, तो अभी जा रहे हैं ऊपर, अल्लाह खैर करे। जो है ना घर पहुंच चुके हैं और अभी जो है ना अंडे बनाएंगे, तो दिखाते हैं आपको परदेश की ज़िंदगी कैसी है। हाँ जी बनाई खड़े हैं, थोड़ा टेस्टी है मैंने, ये आगे मच्छा रखी है भावें डाल ही, तो अंडे जो है ना अभी कज़न जो है ना बना रहे हैं। अभी जो है ना हमारा जो है ना नाश्ता तैयार हो चुका है, सोफ़ा लग गया है, अभी 2 कज़नों की इंतज़ार करें, फिर जो है ना नाश्ता करेंगे, तो करते हैं नाश्ता अभी 2 कज़नों की इंतज़ार कर रहे हैं ना, इसलिए बैठे हैं। लगता है जुम्मे के लिए लेट हो चुके हैं, जल्दी जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या बनता है, जुम्मा हो गया कि नहीं हुआ, अभी खुतबा भी नहीं, पहले जो है ना ओपन आवाज़ में खुतबा स्टार्ट करते थे, अभी नहीं कर रहे, बहुत ही ज़्यादा है मक्का में, तो गाड़ी से मास्क उठाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं मस्जिद में। तो आप भी कहेंगे मास्क गाड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि घर में तो ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी में ज़रूरत होती है अक्सर, बाहर जाते हैं तो गाड़ी से मास्क उठाते हैं अभी, तो फिर इसके बाद जाएँगे मस्जिद में, हरम तो नहीं जा सकते सॉरी, तो अभी उठाते हैं मास्क, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये मास्क ना पहना हुआ हो तो मस्जिद में दाखिल ही नहीं होने देते, और इसके अलावा 1000 रियाल जुर्माना भी है, तो जुर्माने से भी बचना चाहिए, और मस्जिद में जुमा भी पढ़ना है ज़रूरी,
तो मास्क तो ज़रूरी है सऊदी अरब में। तो जा रहे हैं अभी, जुमा पढ़ के फिर मिलते हैं। हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है आपने। पढ़ के खाना खुना खा के तकरीबन असर का टाइम है। तो अभी जो है ना, कज़न ने नीचे बुलाया, उसका जो है ना शुगर जो है ना वो नीचे है, शुगर जहाँ पे बोलते हैं। कि पढ़ के खाना खुना खा के अभी रेस्ट कर रहे थे, तो कज़न ने कॉल किया कि नीचे आओ हमारे जो है ना घर में। तो अभी उसके घर जा रहा हूँ, तो इधर ही है साथ में, तो जाते हैं। उसने बोला है कोई चाय का इंतज़ाम करते हैं। मैंने कहा चलो यार पकाएं, हम आ रहे हैं। तो हम पहुंच गए, ये देखें जो है ना कज़न के शुके में आ चुके हैं। तो अभी वो जो है ना चाय तैयार कर रहे हैं, तो पी के फिर जो है ना बाहर जाएंगे, बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो अभी इंतज़ार में है किस वक्त चाय बनाता है, तो फिर पी के जाते हैं। ये भी मामू है और वो कज़न है, तो अभी इंतज़ार में है चाय की। तो फिर इसके बाद बाहर का व्यू भी आपको दिखाएंगे। ए दे भांडे साट कतन कोन दोन ए वे आई ना कपे जा बे यार तू जे पैदा मैं कौन यार मसाद ही वजन रात है सलाम हो जाए। कज़न है हमारा, तो इसने चाय के लिए हमें बुलाया था, सारे साथी को बुलाया हमने, चाय पिला के सारा कुछ करके हम अभी चाय जो है ना हमने पी ली है। तो अभी ये देखें प्रदेश में बर्तन भी बर्तन धो रहा है, ये देखो हमने धोने पड़ते हैं। और दोस्त भी बाहर बैठते हैं कि उनको भी आप दिखाते हैं कि प्रदेश में किस तरह गुजारे होते हैं। किसका काम है ये देखो, प्रदेश बहुत अच्छा है। चाय चाय वाली पतीली है, हमने दोस्तों को चाय पिला दी है हमने। और अभी जो है ना चाय पी ली, ये देखो दूध यही है, यही मिलता है इधर से, तो ये दूसरा नहीं मिलता। तकरीबन आज जुम्मे का टाइम है, तो असर के बाद जो है ना इंजॉय करने के लिए ना यहाँ पे दोस्त जो है ना क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। पहले मैं भी खेलता था, लेकिन अभी जो है ना मैं छोड़ गया हूँ, क्योंकि सैटरडे को फिर जो है ना काम नहीं किया जाता, थकावट उसकी वजह से। फिर प्रदेश में आए हैं तो दिल नहीं करता काम करने का, तो इसलिए मैं जो है ना क्रिकेट वैसे ही छोड़ गया हूँ। तो ये देखिए कज़न, सारे कज़न हैं, तो चलो इंजॉय कर रहे हैं इधर। और आउट हो चुका है, मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा घूम के आ जाऊं बाहर। ओ आखिरी फ्लोर पे मेरा घर है, तो नीचे आ चुका हूं अभी, दिल लग नहीं रहा था। मैंने कहा चलो एंजॉय करें अभी नीचे आके, क्रिकेट तो नहीं खेलूंगा, तो एंजॉय तो कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग बस यहीं तक था। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।